नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे इजी केस पॉइंट के पोर्टल से किस तरह से कंप्यूटर लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर लैपटॉप पे यूज करना काफ़ी आसान है इजी केस पॉइंट का पोर्टल। इसके लिए नॉर्मली आपको क्रोम ओपन करना है, चाहे आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे यूज कर रहे हो, जिस पे भी यूज कर रहे हो क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद इजी केस पॉइंट का जो वेबसाइट है, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ejcasepoint.co.in, ये आपको सर्च कर लेना है। इजी केस पॉइंट का पोर्टल से यूज करना काफ़ी आसान है। इसके लिए नॉर्मली आपको ये वेबसाइट सर्च कर लेने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन का ऑप्शन देख पा रहे हैं, तो आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप जब रिटेलर आईडी हमारे यहाँ से लेते हैं, सीएसपी आईडी जब आरबीएल का हमारे यहाँ से लेते हैं, तो आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड हमारे यहाँ से मिलता है। तो अपना रिटेलर आईडी पासवर्ड डाल के ये देखिए, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड मांगा जा रहा है। फिलहाल मैं एक यूजर आईडी पासवर्ड डाल देख के आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप का डैशबोर्ड है हमारा। तो यहाँ पे मैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल के सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद कुछ हमारा सामने डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे, सारा ऑप्शन हमारा सामने आ चुका है। तो यहाँ पे आपको हमारा वॉलेट में जो बैलेंस रहेगा यहाँ पे आएगा, जो भी विड्रॉल करेंगे कमीशन सहित इंस्टेंट कमीशन आएगा, तुरंत कमीशन भी तुरंत आपका वॉलेट में यहाँ पे जुड़ते जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से ये प्रोसेस है मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको सर्विस में क्लिक करना है। अगर आप विड्रॉल वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करना है। सर्विस में क्लिक करने के बाद देखिए तीन ऑप्शन आ जा रहा है, एक तो रिचार्ज, मनी ट्रांसफर, एईपीएस। एईपीएस में क्लिक करना है। एईपीएस में आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको बैलेंस इंक्वायरी विड्रॉल का पेज ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए कोई भी यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, जो कि आप चाहे तो कस्टमर का भी डाल सकते हैं या खुद का भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आप डालेंगे, आधार नंबर एंटर करने के बाद ये बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको बैंक ऑलरेडी तीन बैंक बाय डिफॉल्ट हमारा स्क्रीन पे दिया हुआ है, आईसीआई, एसबीआई और एचडीएफसी। ये तीनों में से अगर कोई बैंक ना हो तो फिर आप अदर कर लेंगे। अदर करने के बाद यहाँ पे बैंक सर्च करने का ऑप्शन आ जाता है, जैसे मैं सेंट्रल बैंक करके दिखाता हूँ। ये देखिए सेंट्रल बैंक आ गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको ब्रांचल ग्रामीण बैंक, ये ब्रांचल ग्रामीण बैंक रहा। कोई भी बैंक हो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, देखिए इलाहाबाद बैंक। तो इस तरह से बैंक सर्च कर लेना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चर वाले निशान पे क्लिक करना है। कैप्चर पे क्लिक करते ही आपका फिंगरप्रिंट रेड होगा, जलेगा। उसके बाद कस्टमर का फिंगर लेना है, उंगली फिंगर लेने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो भी बैलेंस अकाउंट में है वो आ जाएगा, दिखा देगा। तो उसके बाद आपको कैश विड्रॉल भी सेम प्रोसेस है जैसे कि अभी मैंने दिखाया आपको। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर, यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद सेम प्रोसेस जो मैंने दिखाया बैलेंस इंक्वायरी में, ये तीन बैंक बाय डिफॉल्ट हमारा स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगर तीनों में से कोई हो तो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एसबीआई हो या आईसीआई हो, तो इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अदर बैंक हो तो यहाँ पे अदर बैंक करके आप बैंक का नाम सर्च करेंगे थोड़ा सा, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखिए इलाहाबाद। ठीक है, तो सारा बैंक अवेलेबल है यहाँ पे, एक्चुअली सर्च कर सकते हैं। मैं कुछ और दूसरा बैंक दिखाता हूँ आपको, बैंक और देखिए बैंक ऑफ लिखते ही बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इतना सारा इस टाइप का सारा आ जाता है। तो बैंक ऑफ इंडिया फिलहाल मैं सेलेक्ट किया। करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चर पे क्लिक करके बस सेम प्रोसेस आपको फिंगर कस्टमर का लेना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस है सिस्टम पे यूज करना। ठीक है, मैंने आपको ये डैशबोर्ड दिखाया कि कंप्यूटर लैपटॉप पे किस तरह से वर्क होता है। अब आप चाहे रिचार्ज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। रिचार्ज में मैं क्लिक करता हूँ। रिचार्ज में क्लिक करने के बाद देखिए हमारा डीटीएच कौन सा रिचार्ज करना चाह रहे हैं, डीटीएच रिचार्ज करना चाह रहे हैं या स्पेशल कुछ रिचार्ज करना चाह रहे हैं, या बीबीपीएस से आप सारे स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो बिजली बिल होता है वो भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह का सारा डाटा कार्ड या से रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रीपेड रिचार्ज करने के लिए प्रीपेड करेंगे, फ़ोन में रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, यहाँ पे ऑपरेटर सारा एयरटेल, जियो, वोडा, आइडिया सारा ऑपरेटर दिया हुआ है, जो भी हो यहाँ पे सर डालेंगे, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे कि आप कितने के रिचार्ज करना चाहते हैं और सबमिट पे क्लिक करेंगे।
सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाता है। काफ़ी आसान पोर्टल है, आपने जैसे कि देखा विड्रॉल बैलेंस इंक्वायरी कैसे होता है और रिचार्ज कैसे होता है, सेम प्रोसेस काफ़ी ईजी है ये पोर्टल को यूज करना, और जो भी आपका वॉलेट में पैसा आएगा यहाँ पे शो करेगा। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको ये दिखाया कि किस तरह से कंप्यूटर लैपटॉप पे आप यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इजी कैश पॉइंट का पोर्टल। इजी कैश पॉइंट का पोर्टल RBL बैंक का AFS ID प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर आप ID लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।